संयुक्त किसान मंच के बैनर तले किसानों व बागवानों के विभिन्न संगठनों के द्वारा जो आंदोलन का प्रदेशव्यापी आह्वान किया गया था, उसके तहत आज जो है रोड़ू, ठियोग, कोटखाई, रामपुर, निरमंड और प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो है वो आज व्यापक आंदोलन किए गए। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, संयुक्त किसान मंच अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार मांग कर रहा है कि आज प्रदेश का विशेष रूप से जो किसान है और जो सेब का बागवान है, वो जो सरकार की नीतियों के चलते जो संकट आज खड़ा हो गया है, उसको दूर करने के लिए सरकार जो है तुरंत कदम उठाए। और ये जो हाल ही में सरकार के द्वारा जो है ये कार्टन के ऊपर जो GST बढ़ाया गया है और ट्रे की कीमतों में जो भारी वृद्धि की गई है, मंच जो है सरकार से बार बार मांग कर रहा है कि इसको जो है तुरंत कम किया जाए। और इसके अलावा जो प्रदेश के अंदर मंडी मध्यस्थता योजना लागू की जा रही है, उसको कश्मीर की तर्ज पर जो है लागू किया जाए। जिस प्रकार से कश्मीर में ए ग्रेड का जो है वो प्रति किलो 60 रुपया, बी ग्रेड का 44 रुपया और सी ग्रेड का जो है 24 रुपया दिया जाता है, परंतु यहाँ पर सरकार जो है अभी तक 9.5 देती थी, अब जो है 10.50 रुपये प्रति किलो जो है सी ग्रेड के सेब का दे रहा। तो अब मांग कर रहे हैं कि कश्मीर की तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में भी ये मंडी मध्यस्थता योजना को लागू किया जाए। और इसके साथ साथ जो वर्षों से करीब 48 करोड़ रुपया प्रदेश के बागवानों का HPMC और हिमफेड के पास मंडी मध्यस्थता योजना का लंबित है, वो जो है उसको तुरंत भुगतान किया जाए। इसके साथ साथ जो सरकार ने खाद के ऊपर फफूंदी नाशक और जो कीटनाशक है उसके ऊपर जो सरकार सब्सिडी देती थी उसको जो समाप्त किया, उसको जो है तुरंत बहाल किया जाए, क्योंकि बाजार से आज जो है किसान बागवान महंगे जो कृषि उत्पाद है उसको खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसके चलते जो है उसकी लागत कीमत जो है निरंतर बढ़ रही है और आज उसको मंडियों में भाव जो है नहीं मिल रहा। और इसके साथ साथ ही ये जो APMC कानून है, क्योंकि मंडियों में जिस प्रकार से किसानों और बागवानों का शोषण हो रहा है, उसको जो है लागू किया जाए ताकि किसानों और बागवानों का मंडियों में शोषण ना हो। तो इन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, इससे पहले भी बार बार जो है सरकार को ज्ञापन दिया जाए, आज तय किया गया है, आज निर्णय लिया गया है, यदि सरकार जो है ये मांगे नहीं मानती है और तुरंत इन पर अमल नहीं करती है जो मांग पत्र दिया गया, तो 5 अगस्त को प्रदेश का जो किसान बागवान है वो संयुक्त किसान मंच के बैनर तले जो है वो सचिवालय का घेराव करेगा।